जो ऐसा पत्थर सारे त्रिकूट में नहीं है। क्यों बैठा जाता है भगवान, क्या चीज है? दोनों चीज में तीन मिनट में बताऊंगा, यहाँ टाइम नहीं लगता। एक बार तुम कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, भगवान राम अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल से फूल लाए, शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से बिंडी हर गजरा बनाया और माता का अलंकार किया, श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जैन कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता चरण चोंच हति भागा, माता के पैर में चोंच मार के भगा। जब खून बहने लगा तो भगवान ने तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक पर भगा, लेकिन काहुन बैठन कहा न वही और राज उसके राम कर द्रोही, राम के दुश्मन को कौन बचाएगा। तब नारद जी ने कहा कि तू पुनः भगवान राम के पास जा, बाकी संसार में कोई नहीं बचाएगा। तब दोबारा आया माफी मांगा, भगवान एक आंख खोल देते हैं, बेटा आज भी कौवा एक आंख के होते हैं, कौवा एक आंख के होते हैं। जैसा लोग मेरे पहले से बता रहे हैं, ये कौवा की आंख है, ये भगवान का बायां पैर है, ये घुटना और ये अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा, बेटा यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, बाबू ये माता जानकी का पैर है। पीछे लखन फिरा ऊपर मंदिर, लेकिन अब आप एक निगाह ध्यान से देखें, ना डर है, ना लूट है, ना बाबा के यहाँ कोई जबरदस्ती का दान है। कभी आए होंगे तो मालूम होगा। बाबू जो ये पांच कलर का झंडा जहाँ लाइट जल रही है, बेटा देख रहे वो यहाँ प्राचीन अज्ञफला लिखा है। यहाँ पे बड़े महाराज अगर साल में एक बार इसी कार्तिक दीपावली के तीन दिन पहले, बेटा तीन दिन बाद, सात दिन हर साल महाविष्णु जग कर रहे हैं, जो यह यज्ञ हर वर्ष इसी तिथि पे होता है, उसी में श्रद्धा अनुसार जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत 51 रुपये 101 रुपये यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन बेटा कोई बंधन कोई जबरदस्ती नहीं है। मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। और नहीं मर्जी तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बेटा इन लाल चिन्हों को बचा करके परिक्रमा 2 बार लगा करके जा सकते हैं। एक मिनट, परिक्रमा 2